सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पे। आज एक बार फिर से मैं कहूँगा, उम्र छोटी ज़रूर है लेकिन कारनामे बड़े हैं भाई के। पहले भी हमने शायद उस जोटी का क्या नाम था मंजीत भाई, बेगम नाम रखा था, उसकी वीडियो को आप लगभग मेरे ख्याल से 10-20 लाख भाइयों ने देखा भी और काफ़ी पसंद किया। शानदार पशुधन ही रखना पसंद करते हैं मंजीत भाई। आज की वीडियो हम आज बना रहे बैसवाल कला गांव से, और ये जो गांव है वो सोनीपत ज़िले में है, लगभग गोहाना के नज़दीक, रोहतक के नज़दीक, सोनीपत के नज़दीक, चारों तरफ के जो बड़े बड़े शहर हैं उनके लगभग बीच में ये गांव है। भाई साहब से पूछेंगे, डिटेल से जानकारी लेंगे। मंजीत भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। मंजीत भाई, कौन से ब्यात की भैंस है ये आपके पास? भाई ब्याज तो तीसरा बताओ था मालिक, अगर है भी तीसरा एक कन्फर्म, बचपन से उसने पाल रखी थी। अच्छा, बचपन से एक मालिक के पास थी, जी। अच्छा, एक बात मैं देखने वाले भाइयों को बताना चाहूंगा, लगभग 12 बजे के टाइम हम ये वीडियो बना रहे हैं। सुबह कितने बजे मिल्किंग करते हो मंजीत भाई? छह से छह। तो भाई कितने दिन की ब्याई हुई भैंस है ये? 20-22 दिन की ब्याई होगी। 20-22 दिन की ब्याई हुई है, साथ में कटड़ी है ये देखिए। कितना दूध मौके पे तैयार है मंजीत भाई? 20 तक कुछ ज्यादा है जी। 20 से ज्यादा लीटर में है या कांटे का तोल? लीटर में नहीं, कांटे में, यो कांटा दे रहा जी। अच्छा, डेली कांटे पे तोलते हो। तो भाई इसको बेचने का विचार है आपका? बेच देंगे जी, पीछे लग गए तो। कितने की बेचने का विचार है? इसके 2,30,000 रुपए डिमांड है जी। 2,30,000 रुपए डिमांड है। कोई और भी वो दूध और भी बढ़ेगा थोड़ा बहुत? उम्मीद तो है जी और बढ़ जाएगी। ये देखिए तीसरे ब्यात की, बहुत सारे भाई ब्रीडिंग के लायक भैंस मांगते हैं। बिल्कुल छोटा सींग और गर्दन की लंबाई देखिए, बिल्कुल पतली चमड़ी की। और 12 बजे के आसपास हम ये वीडियो बना रहे हैं, देख सकते हैं आप पीठ पुट्ठा देखिए भैंस का, बहुत ही शानदार पुट्ठे की है, बिल्कुल सिंगल हड्डी की, अडर की लंबाई, और जो एक मैं कहूँगा जैसे एक यूरिया खाद का कट्टा होता है उस तरह से बंधा हुआ अडर पैरों के बीच। अगर हम इसकी वीडियो शाम के टाइम बनाते तो मैं देखने वाले भाइयों को बताना चाहूँगा, एक अलग ही मज़ा होता वीडियो आपको देखने का भी और बनाने का भी, लेकिन टाइम की समस्या के कारण हम इस टाइम वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल छोटा सींग है, और नज़दीक से मैं आपको ऑर्डर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए बहुत बड़े ऑर्डर की है, बहुत सारे भाई ब्रीडिंग के लायक भैंस मांगते हैं। एक बार आप देख लीजिए किन भैंसों के बच्चे चैम्पियन बनते हैं, वो भैंस है जो चैंपियन बच्चे पैदा करेगी अगर अच्छे बुल का चुनाव करके आप स्पेसिमन रखवाएंगे। लंबी गर्दन, छोटा सींग, पुट्ठा देखिए बहुत ही शानदार, बिल्कुल फ्लैट। ये देखिए बिल्कुल सिंगल हड्डी की भैंस है, खड़े पुट्ठे की, बहुत ही शानदार। एक बार मैं ऑर्डर दिखा रहा था उसके बीच में हम ये बात करने लगे, ये देखिए आगे से भी ऑर्डर देखिए बहुत बड़ा, मिल्क वैन देखिए, काफी मोटी मिल्क वैन है भैंस के। और नीचे किधर भाई, ये देखो जी कितना सही इसका। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए बहुत ही शानदार भैंस है। और मंजीत भाई, कोई भाई अगर देखना चाहे तो एक टाइम दूध तुलवाओगे, दो टाइम, कितने टाइम दूध तुलवाओगे? एक दो में क्यों जी, चार टाइम, पांच टाइम तोलियो रोज कंडे पे अड़े भाई, रुक के आपके पास रुक के चाहे पांच टाइम दूध तोल के लेके जाएं। पास में रहियो जी, अपने हाथ तक खवाइयो और अपने हाथ तक दूध तोलियो। अच्छा, खिलाएं भी अपने हाथ से, कोई दिक्कत नहीं है, मान गए भाई। ये होता है भैंस बेचना। ये देखिए मैं जो बात कह रहा हूँ, मिल्क वैन देखिए इधर से, काफी मोटी मिल्क वैन है। जो दूध वाली भैंस का सबसे मेन गुण किसी भी भैंस का होता है वो मिल्क वैन, ये देखिए बहुत ही शानदार। ये भैंस भाई साहब के पास बिक्री के लिए उपलब्ध है, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना कम है भैंस के बारे में। ब्रीडिंग के लायक बहुत ही शानदार भैंस, चैंपियन बच्चे पैदा करने वाली। और भी दो पशुधन है भाई साहब के पास, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आना मंजीत भाई, इनको भी देखा देते हैं। एक जोटी ये देखिए बिल्कुल छोटे सींग की है, और इसके बारे में भी पूछते हैं भाई से। ये भाई साहब पहले ब्यांत की है या दूसरे ब्यांत की? खासकी भाई है जी। कितना दूध है भाई इसमें? दूध 10 किलो जी, ऐसी हो हफ्ते की ब्याई। एक हफ्ते की ब्याई, पहले ब्यांत की जोटी, 10 किलो दूध, कितने की बेचनी है जी ये? इसके 90,000 रुपए जी। 90,000 रुपए, बिल्कुल छोटा सींग है देखिए, और 10 किलो दूध पहले ब्यांत की जोटी का, बढ़िया होता है, कम नहीं होता। ये देखिए छोटे साइज की जरूर है लेकिन साफ सुथरी है पूरे के पूरी। फिर दोबारा से बताना चाहूंगा क्या भाई, मिल्क वैन इसकी भी अच्छी बता रहे हैं मंजीत भाई, लेकिन ज़्यादा जो काम है वो कोई भी भाई पशु खरीदता है तो उसी का ज़्यादा मैं कहूँगा उसी की देखना चाहिए आके, दो टाइम तीन टाइम दूध। बार बार हम ये बात वीडियो में कहते हैं, लेकिन ये जोटी भी देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी है। और कीमत भाई साहब ने बताई,
मात्र 90,000 रुपये। साथ में इसके भी कटड़ी काफ़ी सुंदर है। ये देखिए कटड़ी बहुत ही ज़रूरी होती है किसान भाइयों के लिए। अगर कटड़ी वाली भैंस हो 10-20 हज़ार महंगी हो तो भी चल जाती है, क्योंकि उसके घर पे एक दूसरी भैंस धीरे धीरे एक साल के अंदर तैयार हो जाती है। एक गाय भी मंजीत भाई के पास है काफ़ी सुंदर, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके पीछे बछड़ा दिखाई दे रहा है। मंजीत भाई ये भी बेचने वाली है या घर रखते हो? भाई इसकी तो भाई साहब पैसा लगेगा तो बेच देंगे ना, तो ये तो नगीना है। कितना दूध देती है मंजीत भाई ये? खरकी बहुत कमजोर थी, मैंने खरीदी जब 12 किलो दूध दिया, दो दांत ने जी, दो दांत ने 12 किलो दूध दिया। अभी कितने दिन की ब्याई हुई है भाई ये? अब यह जी इतवार ने ब्याई थी। अच्छा, आज शायद बुधवार है, बृहस्पतिवार है। हाँ हाँ, तो देख लो जी 12 किलो दूध है। 10 किलो देना स्टार्टिंग करी थी मैं इसकी तरह, भैंस की तरह 10 किलो दूध से शुरू हुई है खीस से खाली होते ही। तो उम्मीद है पिछले साल 12 किलो दूध अगर दिया है तो 15-16 किलो दूध इस बार देगी। हमने तो ज्यादा उम्मीद है इससे। खोल के दिखाओ कितना दूध की उम्मीद है, 20 किलो की? नहीं बस ये कैमरे को देख के डर रही होगी भाई, आदमी नहीं आता इस दौर ऊपर, कोई दिखाई भी नहीं हमने। अच्छा, बाहर का आदमी कोई नहीं आता। जो हरियाणवी भाषा में मंजीत भाई ने शब्द का प्रयोग किया कि ओपरा आदमी कोई नहीं आता है गाय के पास, तो ओपरे का मतलब कोई बाहर का आदमी नहीं आता, केवल घर घर के आदमी जो है इसको दिखाते हैं। और कैमरे वगैरह को देख के ये जो गाय है थोड़ी दिक्कत कर रही है। ये देखिए ले आ मंजीत भाई, बहुत ही शानदार क्वालिटी की जो गौ माता है भाई साहब के पास है। प्योर हरियाणवी, बिल्कुल प्योर, कोई नहीं वो नहीं कह सकता, प्योर हरियाणा है। ठीक है ठीक है, एक इसकी फोटो दूंगा मैं अपना, या तो इसकी बहुत जबरदस्त ऑर्डर मारा था। अच्छा अच्छा, वो भी कोई वीडियो क्लिप हो तो वीडियो दे देना भाई, वो भी लगा देंगे साथ में। तो ये देखिए भाई साहब, अगर इसको बेचोगे तो फिर इसकी कीमत वगैरह? इसकी तो जी मौके पे देखेंगे, इसके तो दूध तैयार करेंगे फुल। अच्छा, दूध तैयार करेंगे मौके पे देखेंगे। ठीक है, तो तीन देखिए बहुत ही शानदार, एक गौ माता और दो भैंसे हमने भाई साहब के पास दिखाई, और एक ये देखिए नगीना, जो कि मैं कहूँगा भाई साहब रखते ही हैं अच्छी भैंस। पीछे भी हमने जिस जोटी की वीडियो दिखाई थी वो भी आप भाइयों ने काफी पसंद किया। और ये भी भैंस 25 किलो की थी। हाँ हाँ, लेकिन जिसके पास थी ना उसने गाने से एक भी नट पहला ट्राई करा था। अच्छा अच्छा, उस देख रेख अच्छी नहीं कर पाया था, कम दिन छोड़ा इसको। हाँ, मेरे को भी कम टाइम मिला जी, खरीदी तो प्रेगनेंट थी। हाँ हाँ, लेकिन मेरे को भी कम टाइम मिला देख रेख करने, तैयार नहीं हो भाई। तो मंजीत भाई क्या मोबाइल नंबर देना चाहोगे कोई भाई आपसे संपर्क करना चाहे? 83 97 91 88 43 एक ही नंबर देना है? ठीक है जी, तो ये नंबर कॉन्टेक्ट नंबर भाई साहब का रेगुलर वीडियो में चल रहा था। जो भी भाई भैंस लेना चाहते हैं या जो पहले ब्यांत की जोटी है वो लेना चाहते हैं वो भाई से संपर्क कर सकते हैं। भैंस आप जरूर हमें कमेंट्स करके बताना कि चाहे कैसी लगी आपको 20 किलो दूध, आज काटे के तोल का तैयार है भाई साहब ने कहा, चाहे कोई 5 टाइम आके देख ले, तोल के देख ले और खुद आके इसको दाना डाल ले अपने हाथ से ही और हमारे पास रह के देखे, बताना ब्रीडिंग के लायक बहुत ही शानदार भैंस आपको कैसी लगी। सभी भाइयों का जो भी वीडियो के आखिर तक बने रहे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आई हो, ये भैंस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।